Hello everyone, myself Shiraz Grover Bache, and today we are going to discuss about exercise 13.1 of chapter 13. हम लोग exercise 13.1 के बारे में discuss करने जा रहे हैं surface area and volumes की class 10th की. ठीक है, तो easy है, कोई इतना difficult काम नहीं है. आप लोग इसकी first video देख लेना तो उससे आप लोग को formulas clear हो जाएंगे. हम लोग first question की बात करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा उसने मुझे ऐसे कहा कि मेरे पास दो क्यूब्स हैं और जो दोनों क्यूब्स की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच है. तो एक की 64 है, दूसरे की भी 64 है, दो क्यूब्स हैं जैसे ये मैंने बनाया. तो ऐसे वो कहता है कि दो क्यूब्स को हमने एंड से एंड ज्वाइन कर दिया. क्या कर दिया? एंड से एंड ज्वाइन कर दिया. इसके साथ मैंने एक और क्यूब लगा दिया ऐसे. ठीक है, तो इन दोनों को एंड से एंड ज्वाइन कर दिया. एंड से एंड ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टिंग फिगर बन रही है, ठीक है, मुझे उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले देखो बेटा, मुझे एक की जो वॉल्यूम दी गई थी वो दी गई थी 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64 हो गया सेंटीमीटर क्यूब. तो जो साइड है इसका क्यूब इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, साइड की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ गई. तो जो इसकी एक साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई बच्चे? 4 आ गई. ठीक है, एक क्यूब की एक साइड जो है हमारे पास कितनी आ गई? वो 4 आ गई. तो देखो ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास ये कितना हो गया? 4. ये भी कितना हो गया बेटा जी? 4. ये हिस्सा कितना हो गया? 4. ये भी हिस्सा कितना हो गया? 4. ठीक है, मतलब इसकी हाइट जो है वो भी 4 है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 4 है. और जब ये टोटल की लेंथ बात करूंगा तो 4 + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो रिजल्टिंग मेरे पास जो बन के आ गया वो एक क्यूबॉइड बन के आ गया. रिजल्टिंग फिगर जो बन के आ गई है वो मेरे पास क्या बन के आ गई? एक क्यूबॉइड, जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 8 है, ब्रेड्थ जो है वो 4 है, और जो हाइट है वो भी कितनी है? 4 है हमारे पास. ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया मींस मैं जहाँ जहाँ इसको टच कर सकता हूँ, तो देखा जाए तो मैं हर जगह पर टच कर सकता हूँ. इट मींस कि मुझे इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hl. ठीक है जी. सो लेंथ हमारे पास 8 हो गई, ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है. ठीक है, और सिर्फ क्या है? लेंथ 8 है. सो 2 × 32, 8 × 4 = 16 प्लस फिर 32, सो 2 × 80 हो गया, और ये हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है जी, इसका जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में कहा था कि सरफेस एरिया निकालने को, तो वो हमारे पास कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. उसने मुझे कहा कि एक होलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सिलेंडर माउंट किया हुआ है. क्या माउंट किया हुआ है? सिलेंडर. ठीक है जी, मैं ये डॉटेड बना रहा हूँ सो दैट के हमारे पास ये जो चीजें हैं ये नहीं है, जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए है. तो जो टोटल हाइट मुझे फिगर की दे रखी है उसने, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो 7 है. इट मींस जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. मुझे इसने कहा कि इसके अंदर अंदर वाले का एरिया निकालना है. तो मैं अंदर अंदर टच कहाँ से कर सकता हूँ? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और एक कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का. तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा जी? 2πr², और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? 2πrh. ठीक है, तो इन दोनों को जस्ट हमने क्या निकालना है? प्लस करना है, ऐड करना है. सो 2πrh + 2πr², तो 2πr मेरे पास कॉमन आ गया बेटा, पीछे रह गया h + r. सो 2 × 22/7, और रेडियस हमारे पास है 7, हाइट उसकी 6 रह गई थी, रेडियस 7 है, 7 से 7 कट गया 44, और 7 + 6 कितना हो गया? 13. सो 13 × 44, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बेटा जी? एरिया आ गया इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन में उसने मुझे कहा कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर मुझे कोन माउंट की हुई है मैंने. ठीक है, कोन माउंट की हुई है. तो जो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस उसमें क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर. जो टोटल हाइट फिगर की दे रखी है वो हमको उसमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर की. ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर की. तो
तो यहाँ से देखो ये भी क्या होगी मेरे पास, रेडियस ही होगी, तो इतना हिस्सा भी जो होगा वो 3.5 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो है 15.5 में से इतना हिस्सा 3.5 माइनस हो जाएगा, तो पीछे 12 रह जाएगा। इट मींस जो मेरे पास स्लैंट हाइट है वो दूसरी वर्टिकल हाइट है वो कितनी होगी, 12। तो ये 12 है बेटा, ये वाली हमारे पास 3.5 होगी, और मुझे स्लैंट हाइट निकलना में इजी हो जाएगा, निकालनी इजी हो जाएगी। उसका कारण क्यों, मुझे स्लैंट हाइट क्यों चाहिए, उसने मुझे कहा कि मुझे रिजल्टिंग फिगर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। मैंने कहा कि हाँ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हमारा सरफेस एरिया हो गया। एक तो कोन को मैं यहाँ से बाहर से टच कर सकता हूँ, इट मीन्स कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया, वो होता है हमारे पास पाई आर एल। एक कोन को मैं बॉटम से ये वाला हेमिस्फीयर को टच कर सकता हूँ, तो हेमिस्फीयर का जो है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे इन दोनों का प्लस चाहिए, इसके लिए मुझे एल चाहिए, तो एल जो है हम लोग यहाँ से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है, एल स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर होता है। सो एल स्केयर इक्वल्स टू 3.5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, एल स्केयर इक्वल्स टू 12.25 प्लस 144, एल स्केयर इक्वल्स टू आ जाएगा 156.25। यहाँ से हमारी एल आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मुझे निकालना क्या है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से एक पाई गई चली, एक आर गई चली, सो 2 आर प्लस पीछे रह गया एल। पाई 22/7, रेडियस 3.5 थी, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, रेडियस 3.5 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल हमने निकाल ली अभी 12.5। तो 7 5 35, 5 2 2 से काटा 11, सो 11 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास 7 प्लस 12.5, 19.5 इंटू 11, सो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हम लोग बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसने मुझे कहा कि मुझे एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है जी, और क्यूबॉइड की जो लेंथ दे रखी है वो उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, पहले मैं एक बार क्यूबॉइड बना लूँ, सो इसको समझाना इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो क्यूबॉइड में देखो, उसने कहा कि क्यूबॉइड के ऊपर उसने एक हेमीस्फियर को माउंट किया हुआ है, यानी एक हेमीस्फियर क्यूबॉइड के ऊपर रखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, ये वाली फिगर। अब जो ये रिजल्टिंग फिगर मेरे सामने आ चुकी है, मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये देखो, लाइक मैं इसको टच करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से टच कर सकूँगा, तो मैं हेमिस्फीयर को ऊपर से टच कर सकता हूँ ना इस जगह से, तो हेमिस्फीयर को इस जगह से टच कर सकते हैं, यानी मुझे हेमिस्फीयर का क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। मैं इसकी ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली दीवार, यानी कि चारों दीवारें, तो वो भी टच कर सकता हूँ। और जो हमारे पास क्यूब होता है उसकी चारों दीवारों का फॉर्मूला 4a² होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं इसके बॉटम को भी टच कर सकता हूँ, तो इसके बॉटम का भी क्या होता है, a². अब ये ध्यान से देखो कि मैं इसको टच यहाँ से भी कर सकता हूँ, है ना, यहाँ से इस जगह, तो और अच्छे से देखो कि इस जगह को भी क्या किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से वर्टिकल सेक्शन बनाऊं कि हमने इसको देखना ऊपर से, तो हमें ऊपर से कुछ इसका व्यू ऐसे नजर आएगा। तो मुझे, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की, कि हाँ हम इसको भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, कि हाँ मैं क्या करूँगा, एक स्केयर में से सर्कल को क्या कर दूंगा बेटा जी, माइनस कर दूंगा। तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा हमारे पास a² - πr², ठीक है। तो आप अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट देखो क्या बनेगा, तो वो बनेगा a² + 4a² + 2πr² + a² - πr². तो a² 4a² और एक ये वाला स्क्वायर मिला के बन गया 6 टाइम्स a² और पाई आर स्क्वायर प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो ये बन गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6a² + πr², ठीक है। अब मुझे भरना ही क्या, जस्ट इसमें r की वैल्यू 7/2 है ना, 6a² + πr² आया बेटा हमारे पास एरिया। तो
हमें पता है उसकी जो एक साइड उसने कहा था वो कितनी है, 7 है, ठीक है, मुझे इसकी एक साइड 7 दी हुई है, और जो सर्कल है उसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी। सो इसमें फुल करते हैं, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 7 × 7 = 49, 49 × 6 प्लस ये 7 से 7 कट गया, ये 11 हो गया, ठीक है। सो 77/2 ये हो गया 38.5, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 294, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 332.5 cm², ठीक है। बच्चे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, ठीक है। उसमें अब देखो ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था कि उसने कहा था कि एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर मुझे हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है, क्यूब के ऊपर मैंने हेमिस्फीयर को क्या किया हुआ है, माउंट। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक क्यूब है और क्यूब में से मैंने हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, निकाल लिया। हेमिस्फीयर को क्या कर दिया बेटा जी, निकाल लिया। तो दोनों फिगर्स का मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ही निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो देखो बेटा, आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो जस्ट आपने ये सोचना है कि मैं किस पोर्शन को टच कर सकता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ा था कि हम इसको इसके ऊपर वाले भाग को टच कर सकते हैं, तो इसको काउंट करेंगे, यानी कि अपना हेमिस्फीयर का 2π r². अब ये देखो, मैं इसके ये वाले भाग को टच कर सकता हूँ, तो ऑब्वियस मैं इसको काउंट करूंगा, और काउंट करूंगा तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π r², ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा था कि हम जो हमारा क्यूब है उसके चारों वॉल्स को टच कर सकते हैं, तो चारों वॉल्स का 4a² आ गया। इसकी भी मैं चारों वॉल्स को टच कर सकता हूँ, तो चारों वॉल्स का हमारे पास 4a² आ गया। इसके बॉटम को टच कर सकता हूँ, तो बॉटम का 8 स्केयर आ गया। इसके भी बॉटम को टच कर सकता हूँ, तो बॉटम का हमारे पास 8 स्केयर आ गया। अब रह गई बात सिर्फ हमारे इतने पोर्शन की, ठीक है, इतने पोर्शन की। मैं इसका कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ और अच्छे से इजीली समझ लग जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की। तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाएगा, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाएगा। सिमिलरली इधर भी ये वही पोर्शन है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका जो वर्टिकल सेक्शन है, अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से मेरे को देखने में ये कुछ इस तरह से लगेगा। मैंने मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केयर की एक साइड में से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा स्केयर माइनस सर्कल। इधर भी क्या आ जाएगा बेटा जी, स्केयर माइनस सर्कल, ये बनेगा प्लस a² माइनस π r², ठीक है। तो अभी काउंट करो आप लोग, अभी काउंट करो, देखो 4π, 4a² प्लस a² प्लस a² ये बन गया 6 times a², 2π r² प्लस का यहाँ माइनस का पड़ा है तो इसका बन गया प्लस π r². सिमिलरली इधर देखो, a² 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 मिला के बन गया 6a², 2π² यहाँ पड़ा, यहाँ माइनस का पड़ा तो ये बन गया 2π, से 2 हट गया, हमारे पास बन गया बेटा जी π r², ठीक है। इसने इसमें मुझे साइड दी हुई थी 7, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया। इसमें मुझे उसने साइड दी हुई है l, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6l² प्लस पाई जो है वो l का हाफ हो गया, तो π l² / l/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का हो गया, ठीक है जी। फिफ्थ और फोर्थ क्वेश्चन की डायग्राम्स अलग है, बट आंसर जो है वो बिल्कुल बेटा जी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस तो इससे और भी इजी है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे और भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझे क्या कहा कि मेरे पास एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है। उसके दोनों तरफ क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर है। जो एंटायर लेंथ इसकी दे रखी है वो दे रखी है मेरे को उसने एंटायर लेंथ दे रखी है 14 mm, ठीक है जी। पूरे की लेंथ जो दे रखी है उसने वो 14 mm दे रखी है, ठीक है, 14 mm दे रखी है। और इसमें जो इसकी डायमीटर दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो रेडियस होएगी 2.5 mm, और उसी की तरह इधर भी 2.5 mm, ठीक है। नाउ बेटा
अब ये पूरा 14 है, 14 से 2.5 इतना हिस्सा यहाँ से कट गया, 14 से 2.5 हिस्सा इतना यहाँ से कट गया, तो पीछे जो हमारे पास रह गया ये रह गया 9। क्या रह गया? 9। सो मुझे इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो मैं जिसको टच कर सकता हूँ वही चीज़ ना, यहाँ से टच कर सकता हूँ तो ये क्या बनेगा? 2πr², इधर से इसको टच कर सकता हूँ इतनी इतनी जगह को, ये वाली चीज़ को टच कर सकता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2πr², ठीक है। बीच में हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर को टच कर सकते हैं तो सिलेंडर क्या होता है? 2πrh होता है। अब इन सभी में से 2πr क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे, r प्लस h प्लस r निकाल देंगे, तो ये जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा 2 × 22/7 × 25/10, और ये पीछे सारा ऐड करके 14 ही बन जाएगा। तो 7 × 2 = 14, ये 25 का 5 पे, ये 2 पे, 2 से ये 2 कैंसिल, सो 44 × 5 दैट इज 220 cm² हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप सभी को समझ अच्छे से लग गया होगा। थैंक यू सो मच।